हेलो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। दोस्तों, हम लोग सभी हिंदी भाषी हैं और हिंदी भाषी होने के कारण से हम लोग हिंदी भाषा को अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त कर पाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हम लोग किसी भी भाव को तोड़ मड़ोड़ करके हम लोग पेश कर पाते हैं। हम लोग एक ही भाव को अलग अलग वाक्य संरचनाओं में ढाल पाते हैं। तो क्या यही बात हमारी अंग्रेजी भाषा में भी है? यदि आपका उत्तर नहीं है, तब आज का एपिसोड इसी पर आधारित है, जहां पर आप सीखेंगे कि आप अंग्रेजी भाषा में लोच कैसे लाएंगे। दोस्तों, हम लोग पिछले एपिसोड में दो विशेष तरह के चैप्टर्स के बारे में सीखा था। पहला था इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस और दूसरा था सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। ये दो जो चैप्टर्स हैं, मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कह रहा हूँ कि ये दो जो चैप्टर्स हैं वे आपके लेखन शैली में चार चांद लगा देंगे। दोस्तों, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस का मतलब हुआ कि वाक्य की संरचना में बदलाव बिना भाव में चेंज लाएगी। दोस्तों, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं ये हम लोग पिछले एपिसोड में सीखा था, जाना था। फिर भी रिवीजन के तौर पे हम लोग चलते हैं कि इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। सबसे पहले तो इसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आता है, दूसरा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन आते हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, रिमूवल ऑफ टू, इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच फॉर अनदर, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड वाइस वर्सा। तो हम लोग आज इस एपिसोड में इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे, समझेंगे और अपनी भाषा में, अपनी अंग्रेजी भाषा में लोच लाने का प्रयास जरूर करेंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको इसी कंसेप्ट पर, जो हम लोग इस वीडियो ट्यूटोरियल में सीखेंगे अभी, उसी पर आधारित आपको एक अनुच्छेद मिलेगा। उस अनुच्छेद का आप अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे और कमेंट बॉक्स पर जरूर अनुवाद प्रेषित करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस जो चैप्टर है, यह भाषा में लोच लाने के लिए काफी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम लोग सीखेंगे इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। किंतु जानने से पहले हम लोग अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जान ले, समझ ले। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वैसे सेंटेंसेस को कहते हैं जो हाँ में जवाब होता है, जिसमें किसी भी तरह का नेगेटिव वर्ड नहीं होता है। जैसे कि मैं जाता हूं, वे लोग फुटबॉल खेल रहे थे, मनुष्य मरणशील होता है, ये सब सारे सेंटेंसेस आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। यही आप नेगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे तो इस तरह के सेंटेंसेस उसमें रहेंगे, वह कभी नहीं वहां जाता है, कोई भी व्यक्ति इसे नहीं कर सकता है, मैं उसे नहीं जानता हूं। इस तरह के सेंटेंसेस हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। दोस्तों, हम लोग पहला टाइप को लेते हैं। पहला टाइप में हम लोग कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसका हम लोग नेगेटिव करेंगे। हर गुलाब के पौधे में कांटे होते हैं, मतलब एवरी रोज प्लांट हैज थॉर्न्स। यह तो अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। इसका जो नेगेटिव सेंटेंस इस तरह से आप बना सकते हैं, देयर इज नो रोज प्लांट विदाउट थॉर्न्स। दूसरा वाक्य हम लोग लेंगे, मनुष्य मरणशील होता है, इसका अंग्रेजी अनुवाद होता है मैन इज मॉर्टल। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, मैन इज नॉट इमॉर्टल, मतलब मनुष्य अमरणशील नहीं होता है, मतलब मनुष्य मरणशील होता है, वह बुद्धिमान है, शी इज वाइज। इसका हम लोग नेगेटिव करेंगे, शी इज नॉट फ्लैश, यह संभव है। इसको हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, इट इज पॉसिबल। इसका नेगेटिव फॉर्म इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, मतलब यह संभव असंभव नहीं है। तो दोस्तों, ये हुआ हम लोगों का फर्स्ट टाइप। दोस्तों, हम लोग दूसरा टाइप को लेकर के चलते हैं। जैसे सेंटेंस है मदर लव्स अस, तब हम लोग इसका नेगेटिव बनाएंगे, मदर इज नॉट विदाउट लव फॉर अस। यदि हम लोग कहते हैं कि एवरी रोज हैज थॉर्न्स,
तो इसका हम लोग नेगेटिव बनाएंगे, देयर इज नो रोज विदाउट थॉर्न्स। यदि हम लोग कहते हैं वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, तो इसका नेगेटिव बनाएंगे, देयर इज नो फायर विदाउट स्मोक। यदि हम लोग ऐसा सेंटेंस बनाते हैं ही ट्राइड एवरी प्लान, तो इसका नेगेटिव हम लोग इस तरह से बनाएंगे, ही लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड। तो ये हुआ हम लोगों का दूसरा टाइप। अब हम लोग तीसरे टाइप को देखते हैं। तीसरे टाइप में हम लोग फेल का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आई सॉ द ताजमहल, इसका हम लोग नेगेटिव बनाएंगे, आई डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल। यदि हम कहते हैं आई विल हेल्प द पुअर, तब इसका नेगेटिव बनाएंगे, आई विल नॉट फेल टू हेल्प द पुअर। हम लोग नेक्स्ट टाइप में क्या करते हैं कि यदि एफर्मेटिव सेंटेंसेस में एज सून एज का प्रयोग होता है तो उसके लिए हम लोग नो सूनर का प्रयोग करते हैं, और यदि ओनली का प्रयोग होता है तब नन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग इस सेंटेंस को देखते हैं, एज सून एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। दूसरा वाक्य को लेते हैं, ओनली द ब्रेव कैन डिजर्व द फेयर, इसका हम लोग बनाएंगे, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। अगला जो टाइप है वह हम लोगों का रिमूवल ऑफ टू से जुड़ा हुआ है, जैसे कि ही इज टू वीक टू वॉक, ये हुआ हम लोगों का एफर्मेटिव सेंटेंस। यदि इसे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो इसका हम लोग बनाएंगे, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। यहाँ नॉट लगाने की वजह से सेंटेंस नेगेटिव हुआ है। यदि हम लोग ऐसा कहते हैं कि गॉड इज सो काइंड दैट ही फॉरगिव्स आवर सिंस, तब इसका नेगेटिव हम लोग इस तरह से बनाएंगे, गॉड इज टू काइंड नॉट टू फॉरगिव आवर सिंस। तो यह हुआ हम लोगों का एफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंसेस में इंटरचेंज। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं स्क्रीन पर, जहां पर आपको एक अनुच्छेद मिलेगा, उस अनुच्छेद का आपको अनुवाद करना है अंग्रेजी में। यह जो अनुच्छेद है वह इसी चैप्टर पर आधारित है, एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने का।